भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता, पदाधिकारी, निगम पार्षद आज एक दिन के उपवास पर हैं। वजह केजरीवाल सरकार से 13,000 करोड़ रुपए की फंड की मांग को लेकर है। हम इस वक्त मौजूद हैं द्वारका ए वार्ड में। हमारे साथ मौजूद हैं नीतिका शर्मा, जो कि काउंसलर हैं। नीतिका जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। क्या कुछ कहना चाहेंगी, किस तरह की 13,000 करोड़ की आपकी डिमांड है और क्या उम्मीदें हैं कि दिल्ली सरकार देगी फंड? देखिए, तीनों एमसीडी का हमारा बकाया जो बनता है वो 13,000 करोड़ है, जिसकी वजह से हम ना तो सैलरी दे पाते हैं ना अच्छा काम कर पा रहे हैं, क्योंकि हम जब शुरू में जो हमारे पास फंड था हमने अपने अपने क्षेत्र में लगाया, और आप खुद सब जनता जानती है कि कोरोना काल में जो सबसे ज़्यादा काम किया है वो हमारे सफाई कर्मचारियों ने, स्वच्छता सैनिकों ने किया है, और हमारे कूड़ा उठाने का काम अपनी जान जोखिम में डाल के कोरोना काल में वो लगे रहे हैं। लेकिन हम उनके लिए केजरीवाल दिल्ली सरकार क्या कर रही है, जीरो, नथिंग। वो उनको कंपनसेट अमाउंट नहीं दे रही, वो उसमें इंक्लूड नहीं कर रही है कि जो उन्होंने अनाउंस किया था कि अगर कोरोना की वजह से किसी भी कर्मचारी की मृत्यु होती है तो उसको कंपनसेशन देंगे। बट हमारे कर्मचारियों को क्यों नहीं, इस तरह का व्यवहार क्यों किया जा रहा है एमसीडी के साथ, हमारे कर्मचारियों के साथ? हम उन्हीं स्वच्छता सैनिकों के लिए यहाँ पर बैठे हैं, और हमारे मेयर, तीनों एमसीडी के मेयर, स्टैंडिंग कमेटी और महिला पार्षदें केजरीवाल के घर के बाहर 10 दिन से बैठी हैं। आप खुद समझ सकते हैं कि महिला पार्षद अपने बच्चों को छोड़कर, घर बार छोड़कर वहाँ पे 10 दिन से बैठे हैं इतनी ठंड में, लेकिन केजरीवाल या उसका कोई भी एक भी बंदा वहाँ पे जाके ये नहीं पूछ रहा कि हम क्या प्रॉब्लम है, बात की जाए, हर बात का बात करके ही हल निकलता है, लेकिन कुछ इस तरह के स्टेप केजरीवाल नहीं ले रहे हैं। और सिर्फ उन्होंने जनता के साथ धोखा किया है। 6 साल हो गए आज तक, उनका एक नया काम आप बता दीजिए। जब इलेक्शन आते हैं तब हमारा बिजली का बिल माफ़ हो जाता है, पानी का बिल हाफ हो जाता है, लेकिन उसके अलावा क्या करते हैं वो? और अपने सफाई सैनिकों के लिए हम यहाँ पे बैठे हैं। नीतिका जी, एक तरफ आपके जो तीनों महापौर हैं उनके साथ में कुछ अन्य जो पार्षद हैं, आज से मेरे ख्याल वो लोग भूख हड़ताल पे चले गए हैं अनिश्चितकालीन, जब तक कि पैसा नहीं मिल जाता, जो फंड है नहीं मिल जाता। तो क्या प्रत्येक विधानसभा स्तर पे या प्रत्येक वार्ड के स्तर पे इस तरह के आंदोलन को और तेज़ किया जाएगा आप लोगों के द्वारा? आप लोगों की भी आगे कोई योजना है कि इस तरह के भूख हड़ताल के जो छोटे छोटे कार्यक्रम हैं हर वार्ड में आयोजित किए जाएँ? देखिए, हम यही चाहते हैं कि जो मुख्यमंत्री हैं, जो विधानसभा में बोलते हैं कि वो दिल्ली के मालिक हैं, तो दिल्ली के मालिक का काम ये तो होना चाहिए कि लोगों की जो परेशानियां हैं, जो हमारे कर्मचारियों की परेशानियां हैं वो आके देखें। हम यही चाहते हैं। आज हमारे सारे मेयर वगैरह भी गए हैं उपवास पे, जैसा हम लोग आज उपवास पे बैठे हैं। हर वार्ड में सारे निगम पार्षद, सारे वहाँ के कार्यकर्ता सब उपवास पे बैठे हैं। अगर केजरीवाल नहीं जागा तो हम आगे भी ये चीज़ें करेंगे, और अपना कर्मचारियों के लिए हम हमेशा खड़े रहेंगे। कुछ और लोग मौजूद हैं, एक बार उनकी राय लेंगे। अंकल, क्या लगता है दिल्ली सरकार के कान पे जू रहेंगे कि आपका जो फंड है जो एसडीएमसी को, एमसीडी को मिलना चाहिए, एनडीएमसी वगैरह को, वो मिलेगा? जू तो रेंगनी ही चाहिए, क्योंकि इतना बड़ा दिल्ली का इंफ्रास्ट्रक्चर है, दिल्ली इतनी बड़ी है, दिल्ली का नगर निगम जो है इतना बड़ा है, और इतना बड़ा पैसा लेके बैठे हैं ये भाई साहब, तो क्यों नहीं वहाँ का पैसा फंड रिलीज करते? क्योंकि ये फंड रिलीज होगा तो बाकी सब लोगों, कर्मचारियों को उनके वेतन मिलेंगे, वो लोग अपने दिल से काम करेंगे, और जब काम ही, अगर पैसा ही नहीं मिलेगा तो फिर कैसे काम होंगे? अब एमसीडी का सारा काम इन भाई साहब केजरीवाल साहब ने रोका हुआ है, अगर ये पैसा रिलीज होगा तभी तो काम होंगे आगे। नीतिका जी, आप कुछ जोड़ना चाहते हो? स्वच्छता सैनिक भी बोल रहे थे कि वो आके यहाँ पे बैठना चाहते हैं हमारे साथ। कुछ आए भी हैं जो नहीं मान रहे, हम उनको मना कर रहे हैं कि हम लोग आपके लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन वो आके बैठे हैं कि हम भी आपके साथ खड़े हैं, आप हमारी लड़ाई लड़ रहे हैं, और वो हमारे साथ हमेशा खड़े हैं। कुछ स्वच्छता कर्मी यानी सफाई सैनिक यहाँ पे धरने को समर्थन देने पहुँचे हैं, एक बार उनसे जान लेते हैं क्या कुछ कहना चाहते हैं और किस तरह से भारतीय जनता पार्टी के जो नेता और जो अधिकारी हैं उनके साथ में मिलकर ये लोग धरना करेंगे। आप लोगों का क्या विचार है? आप लोग स्वच्छता कर्मी हैं? हाँ जी, स्वच्छता कर्मी है। तो आप लोगों का विचार क्या है, आप यहाँ धरने को समर्थन देने पहुँचे? हाँ जी, समर्थन देने पहुँचे। तो क्या लगता है केजरीवाल सरकार क्यों अड़ी हुई है, क्यों निगम का जो फंड है रिलीज नहीं कर रही? उनको पैसा देना चाहिए 13,000 करोड़ रुपये जब निगम का पका है, ताकि हमारी तनख्वाह वेतन मिल सके। आप लोगों का क्या विचार है, आप लोग धरने में और ज्यादा समर्थन देंगे भारतीय जनता पार्टी को या आप लोग शामिल होंगे इनमें? हमारा पूरा समर्थन है बीजेपी को इस विषय में कि हमारे वेतन मिल जाए। ये तो लोग जो वहाँ पर डिप्टी मेयर, मेयर वगैरह, चेयरमैन, स्टैंडिंग कमेटी जो लोग बैठे हुए हैं, हमारे लिए तो बैठे हैं वहाँ पर, हमारा पैसा निकल जाएगा, हमारी तनख्वाह मिल जाएगी, हमारे लाभांश मिल जाएंगे। तो आप लोगों की क्या कुछ आगे कार्य योजना रहेगी, कि आप लोग हड़ताल वगैरह कर सकते हैं अगर फंड ना मिला या लेट हुआ तो? हाँ, ये हड़ताल भी संभव है, हड़ताल हो सकती है।
सफाई कर्मियों का साफ तौर पे मानना है कि आंदोलन को और ज़्यादा तेज़ किया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं, निगम पार्षद हैं, उनके साथ मिलकर इस पूरे कार्यक्रम को और ज़्यादा धार दी जाएगी। क्या कुछ कहना चाहेंगे, आपको जोड़ना चाहेंगे इस पूरे मामले पे? मैं बोलना चाहता हूँ कि देखो जी, केजरीवाल जी जो अभी आपका पैसा हम घर में भी कमा रहे हैं, यदि हम अपने बच्चे यदि हम उनको तनख्वाह नहीं मिलेगी तो हम अपने घर का गुजारा कैसे करेंगे। ऐसे निगम के लोग अपने बच्चों को बेचारे सब इतने परेशान हैं कि बच्चों को खाने के लिए लालच पड़ रहे हैं। अब निगम को 13,000 करोड़ उनके बोले जितना उनको साल का पैसा मिलता है तो उसका कुछ 1% कुछ 1/3 हिस्सा मिलना चाहिए, वो भी नहीं दे रहे हैं। तो उसमें से इतना कम दे रहे हैं कि अब कैसे अब लोगों के लोगों उनको अपनी तनख्वाह करनी है, अपने बच्चों का परिवार पालना है। अब हमें अपने कई कई नए नए लोगों के लिए अपने काम करना चाहते हैं। मेन उनका उनका आम आदमी पार्टी का ये मुद्दा है कि वो काम ना कर पाए, जिससे कि उनकी पार्टी बदनाम हो जाएगी, बीजेपी ने कुछ काम नहीं किया। तो मेन उनका ये मुद्दा है, ये नहीं चाहते कि वो कि प्लीज़ आप एमसीडी के 13,000 करोड़ प्लीज़ दे दीजिए और हमें लोगों की भलाई करनी है और उनको भी अपने बच्चों का पेट पालना है, एमसीडी के लोगों को भी। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। हाँ बताइए, इधर आ जाइए, थोड़ा सा नज़दीक आइए। क्या कुछ कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहती हूँ कि जब कोई व्यक्ति इतने बड़ी पोस्ट पे आ जाता है, पूरे दिल्ली के लोगों ने आपको आपके ऊपर ट्रस्ट करके मुख्यमंत्री बनाया और इलेक्शन जीतने के बाद से उनकी नीति है वो हर चीज़ में अपना मुकाबला प्रधानमंत्री से करते हैं। मोदी जी ने ये किया, अरे मोदी जी तो पूरे देश के प्रधानमंत्री हैं, तो दिल्ली का किसको काम करना है? जहाँ से उनको लगता है मेरे कुछ पत्ते बनेंगे, पुलिस मेरे पास दे दो, भाई तुम्हें जो दिया हुआ है पहले तुम वो तो ढंग से संभालो, अच्छे का तो परिभाषा ही नहीं पता है। सुना आपने किस तरह से तमाम जो भारतीय जनता पार्टी के नेतागण हैं तमाम तरह के आरोप लगाते हुए और उनका साफ तौर पर मानना कि विज्ञापन पे पैसे खराब करती है दिल्ली सरकार, वही पैसा अगर जल्दी से निगम को दे दे, यानी निगम का जो 13,000 करोड़ रुपए का फंड है वो जल्दी से उनको दे दिया जाए तो कम से कम निगम को चलाने में सहूलियत होगी। सहयोगी विजय त्यागी के साथ मैं कौशिक।